नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सालार 21 दिसंबर 22 दिसंबर 22 को आ रही है रिलीज, 21 को करने की संभावना है क्योंकि डंकी को एक दिन पहले कर दिया गया है, 22 की जगह 21 को रिलीज कर रहे हैं। तो अब किस प्रकार का इनका क्लेश होगा वो तो देखने वाली बात होगी। जहाँ पे ओवरसीज लोकेशंस की बात करें, सालार काफ़ी आगे है डंकी से, और साउथ में तो सालार का डंका बज रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो सालार अभी तो एज है सालार को, हालांकि डंकी से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है क्योंकि शाहरुख खान ने यहाँ पर राजकुमारी रानी की फिल्म है, अभी टीजर आने वाला है जो टाइगर 3 के साथ अटैच होगा। और जहाँ तक सालार की बात करें तो सालार के थिएटिकल राइट्स के बारे में एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है दोस्तों सामने, जिसको सुन करके आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा इसका क्रेज है। केवल निजाम में इसके जो थिएटिकल राइट्स है वो 65 करोड़ में बेचे गए हैं। वहीं दोस्तों बात करें अपन इसकी गुंटूर में 12 करोड़, नेल्लोर में भी करीब 63 करोड़ के आसपास बताया गया है। और दोस्तों इसके अलावा ईस्ट गोदावरी में 13.6 करोड़ का इसका राइट्स बेचे गए हैं। तो कुल मिलाकर के 163.30 करोड़, मतलब 163 करोड़ 30 लाख के करीब इसके राइट्स अब तक बेचे जा चुके हैं, थिएटिकल राइट्स। तो थिएटिकल राइट्स ही बहुत बड़ी संख्या में बिके हैं, इसी से आप बहुत बड़ी अमाउंट में बिके हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दोस्तों ये कितना ज़बरदस्त मतलब एक इसका क्रेज है। और कहा तो भी जा रहा है कि नेटफ्लिक्स से भी इसकी डील हो गई है OTT राइट्स के लिए, और ये भी बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़े अमाउंट में हुई है। लेकिन अब ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं है तो मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन थिएटिकल राइट्स है, ओवरसीज के राइट्स है, हिंदी राइट्स है, ये बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों इसमें को मिलने वाला है। तो ओपनिंग के मामले में ये मान लीजिए कि आप सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं, क्योंकि ना केवल ओवरसीज में ये अर्थ सेटरिंग ओपनिंग लेगी बल्कि दोस्तों साउथ में तो ये फाड़ के रख देगी बॉक्स ऑफिस को, मान के चलिए मेरी बात। और फिर हिंदी बेल्ट में भी सालार का उतना ही क्रेज है क्योंकि KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म है, डायनासोर प्रभास आ रहे हैं तो बहुत बड़ी फिल्म है, और डंकी सामने है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। लेकिन पहले दिन तो सालार बहुत आगे रहेगी मेरे हिसाब से कलेक्शन के मामले में डंकी से, और डंकी भी अपनी पॉलिसी बना रहा है जैसे टाइगर 3 के साथ टीजर रिलीज करना, जल्दी ही टीजर आना, बहुत बढ़िया हाइप देना, इसी कोशिश कर रहा है। नॉर्थ में भी सालार के सामने डंकी को बहुत ज़्यादा मुसीबतें सामने करनी पड़ेगी सालार को और डंकी को। पहली बार पता चलेगा कि किसी बड़ी फिल्म के सामने रिलीज करने से कलेश में क्या होता है, जिस प्रकार से सन ऑफ सरदार ने जब तक है जाप को एक तरीके से होश उड़ा दिए थे सामने रिलीज करने पर, तो ऐसा ही कुछ इस बार भी होने वाला। आप क्या सोचते हैं बताइएगा, कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।